हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? देखिए, मैं 5:30 बजे सुबह सुबह उठ चुकी हूँ और वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। प्लीज़ जब आते हैं तो पूरा देखें, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ पूरा देखा करें। जैसे कि 5:30 बज चुके, मैं फ्रेश होके ब्रश वगैरह करके और योगा में लग चुकी हूँ। और योगा में फर्स्ट मैं कर रही हूँ अनुलोम विलोम, और सूक्ष्म व्यायाम है जो वो मैं कर लूँगी। और आप भी ज़्यादा बीच बीच में ध्यान दें कि आप अनुलोम विलोम स्टार्टिंग में बहुत करें, इससे अपनी फुल बॉडी हील होती है, बहुत ही अच्छा लगेगा। और बीच बीच में मैंने नए नए जितने भी बताए हैं योगा टिप्स, तो वो आप ध्यान से देखें और फॉलो करें, और इन्हीं से हमें बहुत ही अच्छा फ़र्क भी पड़ेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा और वेट भी कम होगा। अनुलोम विलोम के बाद में कपालभाति और सूक्ष्म व्यायाम है जितने, वो साथ साथ में करें। और हर 10 मिनट के बाद 5 मिनट का अनुलोम विलोम ज़रूर करें, इससे हमें बहुत ही शक्ति और ऊर्जा मिलती है। और ये देखें, मैंने पैर खोल के जो क्रिस क्रॉस किया है, इससे भी हमारा पेट कम होगा। देखिए, जैसे कि मेरा वेट आगे से कम हो रहा है, बॉडी वेट थोड़ा कम हो रहा है, 1 वीक में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। और मैंने इसको शुरू किया था बहुत कम से, 20-25 से शुरू करके अभी मैंने 100 तक शुरू कर दिया है। और ये देखिए, ये पैर के ऊपर जो दूसरा पैर लगा के किया है, तो ये भी बहुत ही स्टमक को अच्छा रखेगा और हमारे टांगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसको भी ध्यान से देखिए और इसको भी ज़रूर 3-3 4-4 बार करें। और स्टार्टिंग में फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, आपको पूरा दिन ऊर्जावान रहना है। तो ये देखिए, यहाँ मैं कर रही हूँ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई से बहुत जल्दी हमारा स्टमक अच्छा होता है, डाइजेशन भी अच्छा होता है। और बीच बीच में आप जो भी है कपालभाति 5-5 मिनट और अनुलोम विलोम करते रहें। अब भी जो है वो स्टैंडिंग एक्सरसाइज है जो कि मैंने नीचे झुक के किया है, और इससे भी मुझे बहुत ही फ़र्क पड़ रहा है और आपको भी पक्का पड़ेगा। शुरुआत में बहुत ही कम शुरू किया था और अभी मैं 100 तक पहुंच गई हूँ और अभी फास्ट भी करने लगी हूँ। ये तो मैंने वीडियो भी बहुत फास्ट किया, लेकिन आप स्टार्टिंग में बहुत आराम से करें। हाँ जी, तो यहाँ मैं बताना चाहती हूँ, जिन लोगों को हाई बीपी वगैरह है, वो झुकने वाले एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें, आगे झुकने वाले, वो आराम से बैठ के अनुलोम विलोम और हल्के हल्के कपालभाति और सूक्ष्म एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। फुल योगा करने के बाद में क्लैपिंग भी करें जोर जोर से, और जो है लाफ्टर भी थोड़ा थोड़ा करें। लाफ्टर करने से माइंड बहुत ही फ्रेश रहता है और आपके चेहरे पे भी 2 दिन में ही रौनक आ जाती है। आप देखिए, अभी धीरे 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 अभी मेरा वेट भी कम हो रहा है और मैं आपको बताऊंगी कि कितना कम हो रहा है। हाँ जी, तो एक्सरसाइज का मीनिंग है कि आप बहुत आराम से रिलैक्स होके करें और स्ट्रेस ना लें इन दिनों, और जो भी हो सकता है उतना करें। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके एकदम से बहुत ज़्यादा करना और फिर बीमार पड़ना, ये सब ना करें। बहुत ही प्यार से जितना हो सकता है आपसे शुरू में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना कर सकते हैं उतना ही करें। और फूड का भी बहुत ध्यान रखें, जैसे कि मैं ऑयल फ्री फूड भी आज बता रही हूँ, और आज बता रही हूँ ऑयल फ्री डोसा, तो आप खाने में शामिल करें। और अपनी डाइट में राइस और गेहूं का आटा, यानी कि गेहूं की रोटी को बंद करें, उसके बदले में मिलेट्स यानी मोटे अनाज, बाजरा, जौ, ज्वार और रागी का आटा, इन सब का आटे की रोटी खाएं। रोटी में भी क्वांटिटी पे भी ध्यान दें, क्योंकि वैसे भी हम मिलेट्स वगैरह खाते हैं तो हमें बहुत देर तक भूख लगती नहीं है। और आजकल जैसे मैं ज्वारी और बाजरा की रोटी खाती हूँ तो मुझे जल्दी से भूख नहीं लगती। और हम योगा की तरफ जाते हैं तो अपनी बॉडी बहुत ही बैलेंस्ड हो जाती है और आपका ध्यान भी बार बार इन फालतू फूड खाने में नहीं जाता है।
और मेरा ये भी कहना है कि आप दिल को ना मारें, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ एकदम से बंद कर दें, तो ये सब नहीं करना है। एक वीक में आपके पसंद का फूड आप खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखें। और मैं भी फूड खाती हूँ, ऑयल की जगह घी खा लेती हूँ 1 चम्मच। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, मेरी जानकारी अच्छी लग रही होगी। हाँ जी, तो देखिए मेरा शावर वगैरह सब हो चुका है, योगा भी हो चुका है, अभी धूप भी चढ़ गई है, सन निकल चुका है, और अभी पी लेती हूँ चाय। चाय तो बनती है अभी इस वक्त में। तो देखिए धूप का जो लालिमा है चेहरे पे पड़ रहा है, तो चलो फिर चाय पी लेते हैं। बना रही हूँ मैं 1 चम्मच चाय की पत्ती, और आज गुड़ वाली नहीं है, आज शुगर वाली बन रही है। तो 1 चम्मच शुगर डाल रही हूँ, इलायची डाल देती हूँ इसमें। देखिए तो चाय उबल चुकी है अपनी, अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें मिल्क। ऐसे अदरक डालने से भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, एंड में डालेंगे तो ऐसे डालेंगे। देखिए चाय उबल चुकी है, बस इसके बाद एक ही उबाला दूंगी और चाय बन चुकी है। ये है मेरी अदरक और इलायची वाली बढ़िया सी चाय। तो चलिए चाय पी लेते हैं। हाँ जी, तो जैसे कि डाइटिंग योगा सब चालू है, तो मैंने चाय इस वक्त बनाई है, तो आप सोच रहे होंगे। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम बहुत सालों से चाय वगैरह पीते आते हैं, और चाय का मन करता ही है हमारा, तो कभी कभी हम लोग शुगर की चाय भी पी सकते हैं। और जैसे कि आज मैंने चाय में शुगर डाला है, तो आप भी पी सकते हैं। तो अदरवाइज आप धीरे धीरे गुड़ वाली चाय या शक्कर वाली चाय बनाएंगे, मिश्री वाली, तो धीरे धीरे आदत हो ही जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी भी नहीं पिए। तो हम अपने मन को ना मार के एक दिन तो ऐसी चाय हफ्ते में बना ही सकते हैं और पी भी सकते हैं। चाय की क्वांटिटी कम रखें, शुगर थोड़ी कम रखें, लेकिन आप पी सकते हैं और मन को ना मारे, नहीं तो फिर बहुत स्ट्रेस सा हो जाएगा। तो चाय पी लेते हैं फिर अच्छी वाली से। हाँ जी, जो चाय का मजा धूप में बैठ कर भी आएगा सुबह सुबह, वो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए धूप एकदम बढ़िया सी हो गई है, और बालकनी में बैठ के चाय पी लेते हैं फूलों के बीच में। ये देखिए गार्डन का लुक देखिए अभी चेंज हो गया है, फिर से बहुत सुंदर सा हो गया। ये मेरी चाय, आप भी पी लीजिए मॉर्निंग टी। ये तो नमस्कार है आप सभी को मेरी तरफ से, और बताइए कैसे हैं आप। देखिए यहाँ मैं पी रही हूँ चाय, आप भी पीजिए चाय। ब्रेकफास्ट होगा आज बेसन का चीला मेरा। देखिए मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है, एकदम छोटी कटोरी, और 1 चम्मच दही डालूंगी। और यहाँ पे मैंने ग्रेट किया है गाजर, थोड़ा थोड़ा शिमला मिर्च, 1 हरी मिर्च बिना तीखी वाली, धनिया और अदरक। आप चाहें तो बीन्स भी डाल सकते हैं, मेरे पास बीन्स नहीं थी तो मैं ये डाल रही हूँ आज। आज ये चीला बनेगा। मिर्च डाल ली है मैंने, धनिया डाल लेती हूँ और अदरक डाल लेती हूँ। और अब भी डाल लेते हैं हल्का सा नमक,
थोड़ी सी काली मिर्च और अभी डालूंगी पानी। बहुत ज़्यादा पतला ना करें, रनी ना करें, वरना डोसा जल्दी से सही नहीं होता है, पतला बनता है और टूट भी जाता है। ये होगा मेरा चीला आज का। बस इसको 2-3 मिनट के लिए ढक दूंगी। देखिए अपने बैटर को 3-4 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट जैसे। और आपको कलर चाहिए तो थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं, चुटकी भर हल्दी। और यहाँ पे देखिए तवा रख दिया है मैंने, तवा या डोसा पैन जो भी रखना चाहें आप रख सकते हो, दोनों में बन जाएगा। और देखिए इसको मैं हल्का सा ग्रीस करूँगी पहले। आप ऐसे अपने तवे को भी नॉनस्टिक बना सकते हैं। देखिए ये ऑयल को भी ऐसे स्प्रेड कर दिया है मैंने, पोंछ दिया है। ये देखिए एकदम क्लीन हो गया है और एकदम तेज आंच पे। इसको फैला लें। हाँ जी, तो ये अपना ऑयल फ्री चीला बन रहा है। ये देखिए एकदम आराम से हो जाता है ये। और ये देखिए यहाँ पे बन चुका है ऑयल फ्री चीला। इसको सर्व कर लेती हूँ होममेड चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खा रही हूँ, आप भी खाइए। मेरा आज का ब्रेकफास्ट। क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए, एक चीला बहुत है। हाँ जी, ये था आज का वीडियो। आपको कैसे लग रही है मेरी योगा और फूड की वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।